टेक मास्टर जी के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने घर की सुरक्षा के लिए कई तरीके अपनाते रहते हैं, खासकर अगर हमारे घर में बुजुर्ग या फिर बच्चे हैं तो उनकी चिंता हमें हमेशा सताती रहती है जब भी हम घर से बाहर जाते हैं। अब इसके लिए मार्केट में ढेरों गैजेट मौजूद हैं, जैसे कई सेंसर आते हैं जिन्हें आप अपने डोर पे लगा सकते हैं। अगर कोई डोर ओपन करता है तो आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा। इसके अलावा कई तरह के सीसीटीवी कैमरा, होम कैमरा मौजूद हैं जिन्हें आप अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 हजार रुपए अमूमन खर्च करने पड़ेंगे। डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड कितने हैं, लेकिन मिनिमम 2 हजार रुपए तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कारगर तरीका बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप बिना रुपए खर्च किए अपने घर की सुरक्षा और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही में एक पुराना स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, जैसे मेरे पास ये एक लावा का Z61 या फिर कहें Z61 स्मार्टफोन था। मैंने इसकी रीसेल वैल्यू चेक की तो इसमें 600 से 700 रुपए ही मिल रहे थे, जो कि इसको बेचना मेरे लिए बेकार था, यानी किसी यूज का नहीं था। अब अगर देखें तो इसमें 2 GB की रैम दी गई है, साथ में 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया गया है और सेल्फी कैमरे का कोई यूज नहीं है। तो 8 मेगापिक्सल के कैमरे से भी एक अच्छा सीसीटीवी कैमरा आप यूज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कैसे एक पुराने स्मार्टफोन को सीसीटीवी कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 स्मार्टफोन आपके सामने हैं। ये मेरा पुराना लावा का Z61 स्मार्टफोन है और ये मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है जो कि एक आईफोन है। इसकी जगह आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो आप एंड्रॉयड भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS स्टोर से जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अल्फ्रेड कैमरा। दोनों स्मार्टफोन में ये एप्लीकेशन जो है मैंने इंस्टॉल कर ली है, आपको भी इंस्टॉल कर लेनी है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने पुराने फ़ोन को फॉर्मेट कर लीजिए और फॉर्मेट करने के बाद इसमें जो भी बेकार की ऐप्स हैं जो आपको लगता है कि अनइंस्टॉल हो सकती है, वो इवन सारी ऐप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए जो भी अनइंस्टॉल हो सकती हैं, ताकि इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो स्पेस रहे। क्योंकि इसको एज अ सीसीटीवी कैमरा आपको यूज़ करना है तो बाकी चीज़ें तो इसकी यूज़ नहीं होंगी, ताकि आप कभी रिकॉर्डिंग वगैरह अगर करना चाहें तो वो भी आपकी रिकॉर्डिंग आराम से हो सके और हैंग वगैरह फ़ोन ना हो। तो मैंने इस फ़ोन को फॉर्मेट करके इसमें बाकी सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी हैं और सिर्फ एक एप्लीकेशन ये इंस्टॉल रखी है जो है अल्फ्रेड कैमरा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप अपने प्राइमरी स्मार्टफोन में इंस्टॉल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन से आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आ रहा है या फिर आप अकाउंट बना के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको ऐड कैमरा पे क्लिक करना है। अब आपको जो लॉगिन है सिर्फ एक ही फ़ोन में करना है, दूसरे फ़ोन में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरा सीसीटीवी कैमरा वाला स्मार्टफोन है इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। होम स्क्रीन पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है स्कैन टू लिंक टू व्यूअर डिवाइस, इस पे आपको जाके क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके सामने देखिए मोबाइल डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। आपके सामने एक QR कोड जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन पे जाइए, ये QR कोड आपको इस स्मार्टफोन से स्कैन करना है। इसे स्कैन करने के बाद आपके दोनों स्मार्टफोन जो हैं आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी एक तरीके से एप्लीकेशन है वो आपकी कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये मेरा फ़ोन जो है इससे कनेक्ट हो गया है। फिलहाल आपको कुछ भी यहाँ पे रखा नहीं है, इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कुछ रख देता हूँ, ये देखिए। अब इसे मैं एज अ सीसीटीवी कहीं भी जो है रख सकता हूँ, कहीं भी इसे लगा सकता हूँ और इस अपने फ़ोन से दुनिया के किसी भी कोने में जाके इसे मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी चीज़ इस फ़ोन में यहाँ पे आ रही है वो इस फ़ोन में आप देख सकते हैं। अब इसमें नीचे कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको प्लेबैक का ऑप्शन आएगा, टॉक का ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड का ऑप्शन यानी कि अगर आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो भी इस फ़ोन में दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप टॉक पर क्लिक करके आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। जो इस फ़ोन का स्पीकर है उसी से आपकी वॉइस जो है वहाँ पे जाएगी और रिकॉर्डिंग के बाद जो भी चीज़ आप सेव करेंगे वो आपके इस फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए
कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं इस फोन में भी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, साथ में पावर सेविंग का ऑप्शन आ रहा है, और भी सेटिंग दी गई हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन यानी कि इसको अगर आप ऑन कर देंगे और घर में कोई भी नहीं है, ऐसे में कोई भी इस कैमरे के सामने आएगा तो आपके इस फोन में, प्राइमरी फोन में अलर्ट एक मिल जाएगा कि कोई व्यक्ति आपके घर में बिना परमिशन के दाखिल हुआ है, और आप इससे जान सकेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग कर सकेंगे या फिर उसे स्पीकर के थ्रू अलर्ट भी कर सकेंगे। और पावर सेविंग के ऑप्शन से अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपका फोन जो है वो पूरी तरीके से स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगी, बाकी दूसरे फंक्शन भी ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ आपका कैमरा जो है वो वर्क करता रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो कैमरा है ये वर्क कर रहा है, इवन अगर मैं चाहूँ यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो जिस तरफ इस कैमरे का डायरेक्शन आप करेंगे वही चीज़ आप इस मेन फ़ोन में देख पाएंगे। तो ये तो हमारी स्टेप हो गई। अब अगली स्टेप है, हमें इस फ़ोन को ऐसी जगह सेटअप करना होगा जहाँ से कोई इसे देख ना पाए और हम इस फ़ोन से उसे एज अ CCTV जैसे व्यू करते हैं वैसे ही व्यू कर पाएँ। अब आपको करना क्या है, इस CCTV वाले फ़ोन को ऐसी जगह पे सेटअप करना है जहाँ पे इसे कोई आसानी से देख ना सके, जहाँ भी आप इसे सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप चाहें तो इसे उस कोने में भी लगा सकते हैं, उसके लिए आप एक ट्राइपॉड वगैरह जो है छोटा सा गोरिल्ला पॉड ले सकते हैं, बहुत सस्ते में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। या फिर आप इस तरह का, अगर आपके घर में कोई एरिया है जहाँ पे फ़ोन ना दिखे, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सेटअप कर देता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे इसे ये सेटअप कर दिया है। अब हम प्राइमरी फ़ोन में देखते हैं कि हमें किस तरह का व्यू जो दिख रहा है। ये मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन है और ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैं इसके सामने आऊँगा ये मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। मैं अपने घर से चाहे कितनी दूर भी क्यों ना हूं, मैं अपने उस पुराने स्मार्टफोन की मदद से अपने घर का हर कोना चेक कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन भी ऑन कर दिया था ताकि जब भी मैं घर से बाहर जाऊं और उस समय अगर कोई बिना मेरी परमिशन के घर में इंटर करता है तो मुझे तुरंत मेरे मोबाइल पे अलर्ट मिल जाएगा। तो सिर्फ एक ऐप की मदद से आप अपने किसी भी पुराने स्मार्टफोन को CCTV कैमरा में बदल सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ऐप यूज करने में कोई परेशानी हो रही है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगर इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो टेक मास्टर जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।